आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। गरीबों मलूमों और निराश्रितों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली न्यू चौक दीदारगंज सेवा समिति का विधिवत गठन कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष इंद्रप्ति सेवक ने पदाधिकारियों के नामों एवं पद की सूची जारी कर दी है, जिसमें दिलीप यादव, रत्नेश सिंह, मंगला प्रसाद अग्रहरी, विजय कुमार गुप्ता को उपाध्यक्ष, राम दुलार यादव, अजय कुमार उपाध्याय को महामंत्री, संतोष प्रजापति, रामदेव गुप्ता को संयुक्त रूप से कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नव नियुक्त पदाधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा संविदा पर कार्य करने वाले लाइनमैन ब्रिजभूषण यादव, अशोक गौतम, देवेंद्र यादव एवं विकास को समिति की तरफ से अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण कर दीदारगंज बाजार में सम्मानित किया गया। ब्यूरो दीदारगंज, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, रिपोर्ट। पति सेवक न्यू चौक दीदारगंज सेवा समिति अध्यक्ष आज अपने पदाधिकारियों की यह एक सूची जारी कर दिया और माला पहना करके स्वागत भी उनका किया, क्योंकि हमारी समिति अब यहीं से गरीब मजबूर और ये असहाय लोगों की मदद के लिए रात दिन सेवा करने के लिए तैयार रहे और कर रही है। हम बार बार यही निवेदन समिति के पदाधिकारी से करेंगे कि सेवा भाव में कहीं से कमी नहीं आनी पाए, ताकि जनता जो है खुशहाल रहेगी तो हम भी खुशहाल रहेंगे। जिस हिसाब से आप लोगों ने अब तक अपने कार्य को किया, समय समय पर जनता की सेवा, उसी तरीके से सेवा हम हमेशा करते रहेंगे। इंद्रपति सेवक सेवा समिति न्यू चौक दीदारगंज आज पदाधिकारियों को माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। साथ में आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।